सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो गाइज, फाइनली दो तीन दिन बाद वीडियो आ रही है। सो गाइज, इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप एक मार्केट से पपी बाय करते हो, जैसा कि 30 डेज 40 डेज़ के अप्रॉक्स पपी बाय करते हो आप लोग, तो उसको डाइट में केयर क्या दोगे। और फिर मैं, जो मेरी इंडियन स्पिट्स की एक बेबी है जो कि फीमेल है, और मैंने इसको रख लिया है, और मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट भी किया था कि इसकी नेम, जिन्होंने सजेस्ट किया था उनका नाम भी मैंने किया था, और इसका नाम है चेरी, देख सकते हो फीमेल। गाइस, ये मदर मिल्क अभी थोड़ी थोड़ी पीती है, थोड़ी थोड़ी छोड़ दिया है। अप्रॉक्स ये 28 डेज़ का हो गई है। और इसको हम डाइट में क्या केयर करते हैं, अगर आप लोग भी घर में पपी लाते हो तो उसको भी क्या खाने को दोगे, और क्या जिससे आपका डॉग हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और क्वालिटी भी देखने में मस्त लगे। तो गाइस, इसकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हो कि 28 डेज़ कितना ज़्यादा हैवी है और कितना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ देखो, है बेटर, ये देखो क्यूट है। सो गाइज, हम बताएंगे कि आपको डाइट में क्या देनी है। सबसे पहले गाइज, हम इसको अभी जो डॉग फूड चला रहे हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, स्मार्ट हर्ट का मदर पप्पी, हाँ मदर एंड बेबी डॉग, जो कि आपको नियर पेट शॉप पे भी मिल जाएगा। और फिर ये आता है 1.2 kg का, आई थिंक आता है, हाँ 1.2 kg का आता है। इसका कॉस्ट पड़ता है अप्रॉक्स 500 रहता है। जो भी अगर आपको कोई पहचान वाले हो तो लेस कर देंगे, नहीं तो 500 इसका कॉस्ट पड़ेगा, और आपको ये 1 kg का मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो मैं देखा हूँ प्रैक्टिकल, क्यों मेरा डॉग इसमें खाता भी बहुत अच्छी तरीके से है, ओए सैंडी, और खाता भी अच्छी तरीके से है। और इसमें जो इसके जो दाना होते हैं, मतलब कि अंदर जो इसका फीड रहता है, वो क्वान्टिटी मतलब बहुत ही स्मॉल साइज का रहता है, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा या ना भी दिख रहा होगा, बहुत ही छोटा रहता है, जो कि इजीली डॉग डाइजेस्ट कर लेता है, खा भी लेता है। कोई कोई डॉग का दाना होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उसमें डॉग क्या करता है, खाता है फिर मुंह से निकाल देता है। ये छोटा है, और आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन, जिस पे आपको हो सके परचेज कर सकती हो। मतलब स्मॉल ब्रीड के लिए मैं बता रहा हूँ, जब भी आपके घर में छोटा ब्रीड, मतलब कि छोटा पप्पी है, छोटा पप्पी लाए हो। सो गाइस, मैं अभी आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, मैं अपने पप्पी को क्या खाने को देता हूँ, कैसे देता हूँ। सबसे पहले गाइस, इसका ये बॉल, छोटा सा बॉल, और इसमें हम कितने क्वांटिटी में पानी देंगे, ये देखो, थोड़ा सा वार्म वाटर, मतलब कि थोड़ा सा गुनगुना पानी, पानी हल्का गर्म होना चाहिए जिसमें फीड हल्का सा अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखो, ये इसके लिए काफ़ी हो गया, जो कि इतना पानी इसमें भी बची है। तो इसके लिए मतलब कि अप्रॉक्स बहुत कम पानी है, इसमें बहुत ज़्यादा कम पानी है। सो गाइस, हम इसमें फीड पहले देते हैं इसको। सो गाइस, मैंने थोड़ा सा फीड निकाला है, और इसमें देखो हम लोग दे देते हैं, थोड़ा सा और दे देते हैं, जो कि इसके लिए काफ़ी हो चुका है, छोटे पपी के लिए काफ़ी हो चुका है। वो डिपेंड करता है आप लोग के डॉग की ब्रीड पे, जैसा कि आपके पास रॉटवीलर है, लैब्राडोर है, या फिर जर्मन शेफर्ड है, उसकी बेबी की क्वांटिटी अलग अलग होती है। जैसे कि लार्ज ब्रीड होता है, वो बाहर में कुछ हो रहा है, 1 मिनट। सो छोड़ो गाइस, वो डिपेंड करता है आप लोग की, मतलब कि डॉग की ब्रीड पे, जैसा कि आप लोग का लार्ज ब्रीड हुआ, रॉटवीलर, लैब्राडोर हो गया, जो भी ब्रीड हुआ, वो उसके डिपेंड करता है वो कितना खाता है। स्मॉल ब्रीड है, जैसे कि इंडियन स्पिट्स है, इंडियन स्पिट्स की डाइट बहुत ही ज़्यादा कम होती है। वो जो अगर आप लोग रखे होगे तो उसकी जो एडल्ट डॉग होती है, वो भी डाइट बहुत ही उसका कम रहता है। जो इस कारण से इसको मैंने पानी में देखो हल्का सा दे दिया, इसको 5 मिनट हम छोड़ते हैं। 5 मिनट के बाद इसका जो साइज होता है वो अलग टाइप से हो जाता है, डॉग को डाइजेस्ट करने में इजीली होता है, मतलब खा भी वो अच्छी तरीके। अभी तो इसको अच्छी पूरी दांत नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी दांत हुई है, तो दांत जो डॉग को रहता है वो तो चबा के खा लेता है। अभी ये डॉग खा पाएगा, इस कारण से इसको थोड़ी देर 5 मिनट पानी में दिया जाता है। और गाइस, इस पानी में डॉग फूड देने के बाद हम इसको क्या देते हैं, देखो अभी ये वैनकी कंपनी का गुडवेल, हाँ गुडवेल पाउडर है, जो कि मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। गुडवेल पाउडर है, और ये नेटवेट 100 ग्राम का है, और इसका प्राइस है 240 रुपये, ठीक है। और मैं ये डॉग को देता हूँ इम्प्रूव डाइजेस्टिव एंड इम्यूनिटी प्रोटीन एंजाइम्स सप्लीमेंट फॉर पेट्स। गाइस, ये देने से होता क्या है कि आपका डॉग्स को डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, आपका डॉग जो भी खाता है डाइजेस्ट हो जाता है, और आपका डॉग मतलब कि देखोगे कि ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, मतलब कि उसकी फर जो रहेंगे वो भी अच्छी रहेंगी, और क्वालिटी भी मतलब कि जो खाने में खाता है उससे इसके देह में भी बहुत ही अच्छा सा लगता है, ठीक ना। सो ये गाइस, मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि ये पाउडर जो है ये आप अपने डॉग को दे सकते हो। क्वांटिटी में बता देता हूँ कितना देना है आप लोग को। सो गाइस, इसका एक छोटा सा स्पून है, मैं दिखाता हूँ,
सो गाइस बड़ा ब्रीड रहा तो एक चम्मच पूरा भर के, अगर छोटा ब्रीड रहा जैसे कि इंडियन स्पिट्स उसको ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच काफ़ी हो गया। इसमें देखो हम इसको दे दिए, ठीक है इसको दे दिए, काफ़ी हो गया इसके लिए। और जैसे कि रॉटविलर हो गया, फिर अमेरिकन बुली, पिटबुल जो भी हो गया, उसके लिए एक चम्मच डेढ़ चम्मच आप दे सकते हो, ठीक ना। स्मॉल ब्रीड इंडियन स्पिट्स हो गया तो उसको क्या दोगे, मतलब कि भर के थोड़ी देना है, भर के दोगे तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा रहता है, उसकी मतलब कि उसके डाइजेस्ट करने का मतलब क्षमता बहुत कम रहता है, खाने का क्वांटिटी भी बहुत कम रहता है। सो गाइस इसको पाउडर देने के बाद हम लोग इसको मिला लेंगे। मैं खुद सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोग ये दे सकते हो क्योंकि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और देखो अभी हम लोग मिला लिए हैं इसको, वो किधर जा रहा है देखो इसको, और इसको मिलाने के बाद एक मिनट हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। छोड़ के उसके बाद गाइस हम पप्पी को खाने को देंगे। ओए नो, पप्पी को खाने के लिए देंगे तो वो हम देखते हैं पप्पी हमारा खाता है कि नहीं। और गाइस मैं बता दूँ, जब मेरा पप्पी 22 डेज का था तभी से मैंने इसको फीडिंग चालू किया था, ठीक ना। मैं ये फीमेल रखा हूँ इसलिए आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ इसको क्या खाने को दे रहा हूँ, ठीक ना। मैं 22 डेज से ये हल्का हल्का खाना देने लगा था, क्योंकि होता क्या है कि बचपन में अगर आप खाना का आदत नहीं लगाते हो तो बड़ा में भी वो माँ का दूध ही पकड़ेगा, ठीक ना। अब तो कोई भी ब्रीड की माँ हो तो वो देखोगे कि बच्चे को दूध पीने से भगाती है, मतलब कि खुद ही भाग जाती है, ठीक ना। और अभी आप लोग देख सकते हो कि क्वालिटी इसकी कितनी ज़्यादा क्यूट है, ये देखो देख लिया कितना ज़्यादा क्यूट है। सो गाइस डिपेंड करता है हम लोग को मतलब कि उस पर केयरिंग का, जैसे कि पप्पी आप कोई भी ब्रीड ले आओ उसकी केयर ही नहीं करोगे तो उसका हेल्थ कैसे बनेगा और उसका मतलब कि संस्कार कैसे बनेगा, ठीक ना। सो उसका संस्कार हम लोग पर डिपेंड करता है कि कैसे बनाया जाए। सो गाइस फाइनली हम इसको दे देते हैं इस डॉग फूड के सामने। आ जाओ चैरी, कम ऑन खाओ चैरी, कौन खा। सो गाइस देख सकते हो कि ये कितना सुंदर से खा रहा है, खा आराम से खा। अभी ये दूध भी पिया था, अभी जस्ट दूध पिया है, मैं वीडियो बनाने के लिए इसको लाया हूँ, क्यों ये खाएगा। खा ले आराम से खा। वैसे तो ये क्वांटिटी कम में देते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से खा लेता है, बहुत ही पूरा खा लेगा। यहाँ पे हम इसको घुमा देते हैं, चल खा, ये देखो है ना। ओए 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 चैरी खा ले, अभी पेट भरा हुआ है सो खाएगा नहीं, खाएगी नहीं तब पर भी देखो यहाँ, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ, ये देता हूँ, ये देखो आई, ये पाउडर पप्पी को देना है। सो फाइनली गाइस इसका तो पेट भरा ही हुआ था, मैं आप लोग को डेमो के रूप में दिखाने वाला था कि पपी को क्या डाइट केयर में दो जिसकी हेल्थ भी इंक्रीज रहे और बहुत ही अच्छा मतलब कि आपका डॉग का हाइट भी ग्रो करे और बहुत ही अच्छा इंक्रीज करे, डाइजेस्टिव सिस्टम डॉग आपका अच्छा रहे। सो फाइनली गाइस आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद पड़ी होगी, पसंद पड़े तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहना। कमेंट करते हो तो आप एक सपोर्ट सा मिलता है कि भाई ने कमेंट किया वीडियो बनाओ। सो गाइस जो भी टॉपिक पे चाहिए वीडियो कमेंट कर देना, और इसकी अपडेट तो अब हमें से ही आती रहेगी क्योंकि ये तो आप जिंदगी भर हमारे साथ ही रह गया। सो गाइस देख सकते हो, मैं एक बार और नज़दीक से दिखा दूँ, ये देखिए क्यूट बेबी को, ये देखो इसके टेल, इसके फर। सो गाइस अगर आप लोग को इंडियन स्पिट्स प्योरिटी पे वीडियो चाहिए तो एक वीडियो मैंने बनाई थी, अगर चाहिए तो बोल देना, मैं इसको डेमो में दिखा दूंगा कि क्या क्या मतलब टिप्स होती हैं जिससे आप पकड़ के बता सकते हो कि ये इंडियन स्पिट्स प्योर है। सो फाइनली गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।